नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslivemp.com। जिस वक्त उपचुनाव हुए उससे चंद दिन पहले की ही ये बात है, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की वजह ये थी कि नियम ये कहता है कि अगर आप बिना किसी चुनाव जीते मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं या मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं तो आपको 6 महीने के भीतर किसी भी तरह विधानसभा पहुंचना होगा, चाहे वो विधान परिषद के जरिए हो या चुनाव जीतकर विधानसभा के जरिए हो। विधान परिषद का कोई भी अभी सिनेरियो मध्य प्रदेश में नहीं है, विधानसभा के थ्रू ही मंत्रिपरिषद में शामिल हुआ जा सकता है, जिसके लिए इन दोनों को चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था। अब ये पूरा प्रदेश जानता है कितने बड़े अंकों से, कितने बड़े मार्जिन से तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत कर आए हैं और अब अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो शर्त थी कि इन दो को मंत्रिमंडल में रखा ही जाएगा, वैसी ही आवाज़ें फिर उठने लगी हैं और दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए फिर से बातचीत शुरू हो गई है और ये अटकलें भी हैं कि बहुत जल्दी इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। पर जो शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ऐलान किया है वो इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका मंत्रिमंडल विस्तार का, मंत्रिमंडल में फेरबदल का या नए चेहरों को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी फिलहाल मंत्रिमंडल में दोबारा जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 21 अक्टूबर को अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और चुनाव न जीत पाने की वजह से इस्तीफा दे चुके थे। तो अब इन दोनों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा मंत्रिमंडल में शामिल करने का। खैर, एक धड़ा बीजेपी में वो भी है जो ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार करें या ना करें, फेरबदल करें या ना करें, पर तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को दोबारा जल्द ही शामिल करेंगे। अब आगे क्या होना है ये तस्वीर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सियासी माहौल से उबरने के बाद हर नेता फेस्टिव मूड में डूबा हुआ है। दिवाली का सीज़न चल रहा है, कम से कम एक हफ्ते तक दिवाली की खुशियां मनाई जाएंगी। बीजेपी के लिए तो यूं भी जश्न का मौसम है ये, तो इस पूरे वक्त के गुजरने का इंतज़ार करना ही होगा, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को अपनी बम्पर जीत का कुछ सिला मिलता है या नहीं। नमस्कार।